जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कार्य का शुभ आरंभ गणेश जी के आशीर्वाद से ही होता है, तो हम भी आज के इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व विख्यात सिंगर आदरणीय कुमार विशु जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है कुमार विशु जी का, ये स्टेज पर हमारे साथ हैं और अब हम इनसे निवेदन करते हैं कि ये गणेश मंत्र से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, बाबा का ये कार्यक्रम है और बाबा की एनर्जी आप सब में दिखनी चाहिए। जोरदार तालियां और एक बार जोर से जयकारा, ओम साई राम। चरणों में सजदा करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। मैं अंकुश मदान अपनी को एंकर शोभा गुप्ता जी के साथ आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बाबा के दरबार। सजदा करो जहाँ, सजदा करो जहाँ, वहाँ साईं दिखाई दे, सर को उठाऊं तो शिरडी दिखाई दे। रब करे ऐसा इश्क हो जाए, रब करे ऐसा इश्क हो जाए, आंखें बंद करो तो साईं दिखाई दे। ओम साईं राम। शोभा गुप्ता, अंकुश बताओ। जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार हमने सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में आराधना की, वंदना की,
कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले ये एक रीत है, उस रीत को हमने निभाया है। आइए इसी के साथ बाबा की एक छोटी आरती करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं और बाबा के चरणों में भी वंदना करते हैं कि बाबा आप स्वयं आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हम सभी बच्चों का, हम सभी का हौसला बढ़ाएं। शिरडी माझे पंढरपुर साईं बाबा राम बार, बाबा राम बार, साईं बाबा राम बार, शुद्ध भक्ति चंद्र भागा, बाब पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, बाब पुंडलिक जागा, याहू याहू अभे जन, करो बाबा सी वंदन, साईं सी वंदन, करो बाबा सी वंदन, करो माने बाबा साईं, दाव बाब माझे आई, बाब माझे आई, दाव बाब माझे आई, दलील कांगन बमलील चरणम, पुरान पावन रूपम तुझे, तेरे अलिंगम आनंद पूजे, कवे मन मने नमा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या धनम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, कायेन वाचा मन सिंधियेव, हृदयपना वा प्रकृति स्वभाव, करो ये सकलं करस्मि नारायणायै समर्पयामि, अच्युतं केशवं राम नारायणं, श्रीरामूर्तिं वासुदेव हरि, श्रीरं पादुकं गोपिका वल्लभं, नायकी नायकं रामचन्द्र भजे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री गुरुदेव दत्त राधाधिराज योगिराज पारब्रह्म साई नाथ महाराज, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइएगा, ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा और आप सभी का भी साथ हमें चाहिए, क्योंकि आप सब भी यहाँ इसी मकसद के लिए आए हैं जिस मकसद से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा सभी का मकसद है कि आज बाबा के नाम से, बाबा के संकीर्तन से, बाबा के कीर्तन से अपनी अपनी जिंदगी को पवित्र करना है, अपने अपने जीवन को पवित्र करना है। जय साईं राम, जय साईं राम। पानी साईं जपने से ही मैं तुम्हें भवसागर से पार लगा दूंगा, ध्यान करोगे जब भी मेरा मैं आऊंगा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, ये वचन है मेरा, ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा।
वचन है मेरा। मैं आऊंगा मेरे
समाधि बोलेगी ये वचन मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, मैं आऊंगा मेरी समाधि बोलेगी वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। मधुर समाधि जो आएगा, निर्मल मन से मधुर समाधि जो आएगा, खाली दामन वो भी अपना भर लाएगा, खाली दामन वो भी अपना भर लाएगा। हर डाली पत्ते पत्ते को, और बाबा की समाधि आज भी अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ बातें करती है। बस श्रद्धा भाव भक्ति लेकर के जो जाता है वो शिरडी से कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आता है। राजेंद्र जी के बारे में आपको कुछ बता दें, 1985 में टीवी सीरियल्स में इन्होंने शुरुआत की, 1986 में नए कदम, 1989 में दूसरा केबल आदि टीवी धारकों में इन्होंने रोल प्ले किए। इंडियाज मोस्ट वांटेड में भी इन्होंने कई किरदार निभाए। 2005 में बाबा की सेवा में लग गए और तब से बस बाबा की ही सेवा में लगे रहे हैं। 2013 में साई दया के सागर बाबा की लीलाओं का नाट्य रूपांतरण, और 2015 में बेटी बचाओ मिशन लाडली साई की, और बाबा की सेवा में लीन हैं और बाबा का रूप लेकर बाबा की लीलाएं बाबा के भक्तों तक पहुंचाते हैं। बाबा का स्वरूप शिरडी में सभी ने देखा होगा। 7 अक्टूबर 1954 को बाबा के मूर्ति की स्थापना की गई। कुछ लोग उसे मूर्ति मानते हैं लेकिन कुछ लोग उसे साक्षात साईं ही मानते हैं, बाबा ही मानते हैं। ऐसे ही लंदन से एक भक्त आए और आकर के बाबा के दर्शनों के लिए जब वहां पहुंचे तो उनके साथ मौजूद एक शख्स ने उनसे सवाल कर डाला कि आपको ये मूर्ति कैसी लगी। तब लंदन से आए उस भक्त ने कहा कि अरे मूर्ति थी ही कहाँ, ये तो साक्षात बाबा थे, ये तो साक्षात साईं थे, जो कभी मुस्कुराते थे, जो कभी हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद देते थे। और बाबा का वचन भी तो है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो बाबा आज अपने हर वचन को निभाते हैं, एक बार मिल करके कहिए सतगुरु साईनाथ महाराज की। आइएगा आगे का कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे उमेश जी और रोमा जी। जी हाँ, आज हम आपको इस एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनका बाबा के प्रति अनोखा प्यार है। बचपन में वे आर्ट सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, रंगों से दूर भागते थे। इनके पिताजी जो कि एक ग्रेट आर्टिस्ट भी थे, उन्हें ये चिंता लगी रहती थी कि वे जीवन में क्या करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि आज वही शख्स विश्वविख्यात आर्टिस्ट के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री जी की। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। मुझे तालियों की गड़गड़ाहट में वो मजा नहीं आ रहा, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ एक जोरदार तालियां बाबा के जयकारे के साथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। नवनीत का मतलब है नित नया, वन हु इज एवर न्यू। इनके नाम के मुताबिक ही इनके बाबा को प्यार करने का तरीका भी रोज नया होता है। इनकी आशिकी भी साई, मोहब्बत भी साई, उनका इजहार भी साई से और तकरार भी साई से। जितनी शिद्दत से वे साई को रंगों से सजाते हैं, उतनी ही खूबसूरती से साई उन्हें अपनाते जाते हैं और साई खूबसूरती से उनके जीवन में नव रंग डालते जाते हैं। बाबा को सजाना, उनसे बातें करना व उन्हें घंटों निहारना, यही इनकी पूजा है। जब ये बाबा की तस्वीरें बनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो बाबा स्वयं इनका हाथ पकड़ अपना स्वरूप बना रहे हैं और इनके रंगों व ब्रश के माध्यम से उस चित्र में विद्यमान होते जा रहे हैं। इन्होंने 1994 में शिरडी से वापस आते हुए एक ट्रेन में अपने माँ बाप के साथ बाबा का एक चित्र बनाया और उसके बाद बाबा ने इन्हें कभी भी नीचे नहीं देखने दिया। अब तक यह 4000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं जो शिरडी प्रसादालय से लेकर विश्व के 405 मंदिरों में और बहुत सारे साई भक्तों के घरों में लगी हुई हैं। इन्होंने अपनी कंपनी साई ग्लोरी प्रोडक्शन हाउस का भी निर्माण किया और इन्होंने 2009 में इस कंपनी के माध्यम से 32 साई भजन एल्बम रिलीज अब तक कर चुके हैं और साई नवरंग इनका 33वां एल्बम है। इनके कार्यक्रम देश विदेश में हो चुके हैं, ये विश्व के लगभग सारे देशों में घूम चुके हैं, USA, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड और कई सारे देश। बस उमेश जी बस, इतना तो हम सुनते जाते हैं और देखते हैं बाबा का इन्होंने प्रचार कहाँ कहाँ किया। बाबा के समय में मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे जिस प्रकार दास कनु जी अपने भजनों के माध्यम से बाबा का प्रचार किया करते थे, उसी प्रकार नवनीत जी का अपनी पेंटिंग्स के द्वारा भक्तों को बाबा से जोड़ते हैं और इनका यही मोटिव रहता है कि सभी साईं भक्त बाबा से जुड़ते चले जाएं और उन्हें प्यार करते जाएं। वैसे तो बाबा का मनमोहक चित्र बनाना अपने आप में ही एक अद्भुत कला है, बट नवनीत जी की बाबा पर असीम कृपा है जिससे वे भजनों की ताल पर बाबा का चित्र बनाते हुए ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपनी भी सुध-बुध नहीं रहती। नवनीत अग्निहोत्री जी को बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम 2000 में एशिया के सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी लिखा जा चुका है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इन्हें राइजिंग स्टार के अवार्ड से सम्मानित किया। एजुकेशन बोर्ड USA में इन्हें स्पीड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2016 से नवाजा गया। शिरडी, कानपुर व अन्य बहुत स्थानों से इन्हें साई रतन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम आपका बहुत समय ना लेते हुए और उस इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए आपको एक आवाज के साथ नवनीत अग्निहोत्री जी से मिलवाएंगे और उस आवाज, ये जो सुन रहे हैं अब, जो आप सुनेंगे आगे, वे आदरणीय सुधीर दलवी जी की है
जी हाँ, सुधीर दलवी जी, आप सभी जानते होंगे 1977 में मनोज कुमार जी द्वारा बनाई हुई निर्मित शिरडी साईं बाबा मूवी में उन्होंने बाबा का रूप निभाया था। तो ये आवाज़ सुधीर दलवी जी की है, जिन्होंने नवनीत जी से प्यार व लगाव के कारण अपनी आवाज़ में बाबा के प्रति नवनीत जी का प्यार व भाव प्रकट कर शुक्राना किया है। तो सुनते हैं सुधीर दलवी जी की आवाज़ में नवनीत जी के भाव। ऐसा मैंने खास क्या किया है मेरे साईं, जो मुझे तेरा इस कदर दीदार मिला है। ऐसा मैंने खास क्या किया है बाबा, जो साईं भक्तों का इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान। कभी कभी तो हैरानी होती है, डर भी लगता है कि कहीं मैं कोई सपना या ख्वाब तो नहीं देख रहा। मगर जब बाबा की तरफ देखता हूँ तो ये सपना, ये ख्वाब एक सच्चाई से भी कहीं ज्यादा ठोस हकीकत का रूप धारण करता जान पड़ता है। बाबा को देखते ही सारे शक, सारे संशय खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। श्री वाईडी शर्मा मेरे पिताजी, जो मेरे पिता ही नहीं गुरु भी थे, अक्सर कहा करते थे कि नवनीत, अच्छी पेंटिंग बनाना अपने आप को मिटाने जैसा है। मुझे उस वक्त उनकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मगर आज लगता है कि शायद वो सही कहते थे। अपने आप को मिटाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, खुद को भूल जाना पड़ता है कि हम है भी या नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तस्वीर ही असल हकीकत है, चित्रकार तो उस तस्वीर का महज एक हिस्सा मात्र है। सन 1994 की बात है, शिरडी से लौटते हुए साई का एक चित्र जो मैंने बनाया, उसने मेरी हस्ती को, मेरे अस्तित्व को पूरी तरह तब्दील कर दिया। जैसे कुम्हार मिट्टी को कूटता है, पीटता है, पीसता है, छानता है, गंधता है, तपाता है, रूप आकार देता है, ठीक उसी तरह मैं भी साईं के हाथों में मिट्टी के कच्चे ढेर की तरह आ चुका था। मुझे लगता था कि मैं साईं के चित्रों को रंग रूप दे रहा हूं, मगर सच्चाई तो यही थी कि साईं मेरे वजूद को बना रहे थे, रंग रूप दे रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब मैं साईं के रंगों में सराबोर होकर रह गया। आज सारी दुनिया मुझे चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री के रूप में जानती है, और शायद पहचानती भी है। मगर आज भी तुलिका हाथ में लेता हूँ, रंगों को छूता हूँ, तो खुद को बाबा के सुपुर्द कर दिया करता हूँ कि लो बाबा, संभालो मुझे, मैं तुम्हारे चित्र नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे चित्र मुझे बनाते हैं। ये जो संगीत के नवरंग यानी नौ रंग हैं, आप कहेंगे कि संगीत में सात सुर होते हैं, तो मैं कहूँगा कि हमने इन सात स्वरों में यानी कि इन सात रंगों में बाबा के दो सुर या दो रंग और शामिल कर लिए हैं, और रंग या सुर हैं श्रद्धा और सबूरी, और इन सभी रंगों को हम बाबा को समर्पित कर रहे हैं। हे बाबा, हे मेरे सच्चे साहेब, हे साईनाथ, सच्चाई तो ये है कि मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मगर फिर भी मैं दिल की गहराइयों से तुमसे प्यार करता हूँ। अपने एहसास और जज्बात को इस साई नवरंग के जरिए तुम्हारे चरणों में पुष्पांजलि के रूप में पेश करने जा रहे हैं। हमारी इस भावमयी प्रस्तुति को स्वीकार करो और अपनी सेवा में यूं ही लगे रहने के लिए प्रेरित करते रहो। ओम साई राम,
ओम साई राम, ओम साई राम। आइएगा एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं उस शख्सियत को जिन्होंने अपने हाथों द्वारा, अपनी पेंटिंग्स द्वारा देश विदेश में बाबा का नाम फैलाया है। आइए स्वागत कीजिएगा नवनीत अग्निहोत्री जी आप सभी के बीच, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं वो इंसान जिन्होंने बाबा को घर घर तक पहुंचाया, एक जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से, एक जिन्होंने अपने सुरों के माध्यम से। एक बार मैं चाहूँगा कि सभी खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दे दीजिएगा, क्योंकि ये शख्सियत बहुत मेहनत से यहाँ पे आए हैं, बहुत हम भाग्यशाली हैं जो हम उनके साथ एक स्टेज पर खड़े हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन सुधीर दलवी जी और मनहर उदास जी और नवनीत अग्निहोत्री जी का। इसी बात से साईं दर्शन हो जाए आज हमारे भी श्री सुधीर दलवी जी उपस्थित हैं, या यूं कहें साईं बाबा का स्वरूप। इनका परिचय करवाने के लिए मेरे शब्द कोश में कोई मुकम्मल शब्द नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। श्री सुधीर दलवी जी एक सक्षम कलाकार हैं। 1977 में आई मनोज कुमार निर्मित फिल्म शिरडी के साईं बाबा में इन्होंने श्री साईं बाबा का किरदार निभाया। यह भूमिका इन्होंने इस शिद्दत से निभाई कि हर भक्त के दिल में जगह बना ली। साईं बाबा की समाधि पश्चात बाबा के समकालीन भक्त बाबा की ख्याति का प्रसार प्रचार कर रहे थे और इस फिल्म ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया भक्तों को बाबा से जोड़ने में और बाबा को पहचान करवाने में। साईं बाबा के किरदार को श्री दलवी जी ने इस शिद्दत से निभाया कि आज भी साईं भक्त जब बाबा को आंखें बंद करके याद करते हैं तो इन्हीं का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी आंखों में नजर आता है, इन्हीं के मधुर स्वर साईं स्वर से सुनाई देते हैं। आज साईं बाबा की असीम कृपा से श्री दलवी जी हमारे बीच उपस्थित हैं हम सब साईं भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। एक श्रद्धा दूजे सबूरी, एक श्रद्धा और दूजे सबूरी, फिर नहीं साईं से कोई दूरी, और साईं से अब दूरी ना रहे इसलिए श्री सुधीर जी हमारे साथ स्टेज पर हैं, मनहर उदास जी, नवनीत भैया। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे बीच में कुछ अतिथि गण आए हैं, और वैसे तो सभी हमारे खास अतिथि हैं लेकिन सबको मंच पर नहीं बुला सकते। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अनिल हंसलस जी से जो हमारे बीच में आए हैं, जिनका गाया हुआ भजन आप सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा अनिल हंसलस जी का। आर के शर्मा जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी मंच पर आएँ। एस पी करण बाबा मलेशिया से हमारे बीच में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे भी। और विजय भैया, विजय मेंगी जी, अगर आवाज़ मेरी पहुंच रही हो तो उनसे भी मेरी विनती है कि वो भी मंच पर आएं। और अमन मेंगी जी भी, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि मंच पर आएं। दीप जला करके रोशन करता है सारे के सारे वातावरण को, तो आइएगा दीप प्रज्वलित करने के लिए मंच पर सभी अतिथि आ चुके हैं, सभी मेहमान आ चुके हैं और दीप प्रज्वलित करेंगे। और मैं सभी से एक बार हाथ जोड़ करके फिर से विनती करना चाहता हूँ कि जब अतिथि गण आए हैं तो उनका भव्य तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। ऐसी तालियां होनी चाहिए, ऐसी गूंज होनी चाहिए कि सदियों तक, सालों तक ये गूंज यहाँ पे इस हॉल में रहे, और ताकि इस हॉल को भी पता लग सके कि बाबा के भक्त यहाँ आए थे, साईं भक्त यहाँ आए थे। एक बार मिल करके कहिए सतगुरु साईनाथ महाराज की। ये होंगे कुछ अच्छे कर्म जो साईं का दरबार मिला है, ये होंगे कुछ अच्छे कर्म जो साईं का दरबार मिला है। शायद साईं को पसंद आई होगी कोई बात जो ये साईं भक्तों का परिवार मिला है, कि साईं मेरी हर सांस में नाम तुम्हारा है, साईं मेरी हर सांस में नाम तुम्हारा है, तुम्हारे नाम से ही तो रोशन हुआ जहां ये सारा है, और जिन अंधेरी रातों को चांद देता है रोशनी, उसी तरह से साईं तू हम सब का सहारा है, उसी तरह से साईं तू हम सब का सहारा है। तालियों की गड़गड़ाहट जो है बनी रहे तो ज्यादा वातावरण को सुखद करती है, बाबा को भी पता रहे कि उनके इतने भक्त आज उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, और वो इतना सचेत है कि बराबर तालियों की गूंज ज्योति प्रचंड के साथ चल रही है। नवनीत अग्निहोत्री जी से, जो कि आज यहाँ अपने हाथों द्वारा बाबा का साक्षात रूप
कैनवस पर उतारेंगे, बाबा का स्वरूप कैनवस पर उतारेंगे। 6 फीट की ये पेंटिंग बना रहे हैं। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमें जो है श्री सुधीर दलवी जी के वचनों से यहाँ पे जब सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है। और तालियां चलती रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम साई राम। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ कुछ अल्फाज मेरे हैं, एक किसी और का है। हमारा भारत एक विशाल महान और पुराना देश है। ये जितना महान और पुराना है उतनी ही महान और पुरानी है इसकी आध्यात्मिक परंपरा, जिसकी बदौलत इसकी पावन धरती पर भक्ति और ज्ञान की निर्मल धारा कई सदियों से अखंड रूप में बहती चली आ रही है। देश की इस महान आध्यात्मिक परंपरा में इस्लामी तसव्वुफ यानी सूफी मत से प्रभावित सूफी विचारकों और पीर फकीरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में कई ज्ञानी विद्वान विचारक सूफी संत और महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति ज्ञान दया और धर्मज्योत जगाकर संसार को समता ममता और मानवता का महान पैगाम यानी संदेश दिया। शिरडी के साई बाबा का शुमार भी इन्हीं सूफी संतों और महात्माओं में होता है। वैसे देखा जाए तो देश की आध्यात्मिक परंपरा की तरह महाराष्ट्र की संत परंपरा भी बड़ी पुरानी है। साई बाबा महाराष्ट्र के आधुनिक सूफी संत कहलाते हैं। उत्तर भारत में जो कबीर का स्थान है वही दक्षिण में साई बाबा का है। सभी धर्मों और पंथों के प्रति समभाव और उनके मानने वालों के प्रति उनके दिल में हमेशा आदर सहिष्णुता और प्रेम की भावना रही, और यही वजह है कि साईं बाबा की शिरडी आज सभी धर्मों और पंथों के मानने वालों का श्रद्धा स्थान बन गई है। साईं बाबा के जीवन का सार क्या है, सीख क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, ये तो आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा और सुना भी होगा। पर व्यक्तिगत रूप से जब साईं बाबा की भूमिका यानी किरदार करने के लिए मुझे श्री पांडुरंग दीक्षित जी, वो स्वर्गवासी हो गए हैं लेकिन उन्होंने एक नाटक में मुझे देखा और उस वक्त ये किरदार मुझे निभाने के लिए गुजारिश की। उस वक्त ये किरदार सही ढंग से निभाने के लिए मैंने जो थोड़ा बहुत साईं के जीवन का उनके कार्य को जानने समझने के लिए जो अध्ययन किया अभ्यास किया उसे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि साईं बाबा एक सिद्ध पुरुष तो थे ही पर वो एक ऐसे समाज सेवक समाज सुधारक और समाज परिवर्तन कराने वालों में से थे। और इस प्रकार का कार्य करना उन दिनों आसान तो था नहीं बल्कि मुश्किल नहीं दुश्वार भी था। जिन दिनों जात पात धर्म ऊंच नीच छूत अछूत अपना बराया भेदभाव समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था उन दिनों सब लोगों को एक जगह एक ही हंडी में बना हुआ खाना सबको एक साथ बिठाकर खिलाना ये बहुत बड़ा समाज परिवर्तन समाज सुधार का कार्य साईं ने कर दिखाया। मैं तो यही कहूँगा सही मायने में साईं ने एक सूफी फकीर ने राष्ट्रीय एकात्मता के महत्तम कार्य की नींव रखी। ऐसा अभूतपूर्व कार्य साईं ने कर दिखाया। मेरी सभी साईं भक्तों को नम्र विनती है गुजारिश है कि आप सभी साई चरणों की शपथ लेकर साई के इस कार्य को आगे बढ़ाते चलो चलाते चलो। क्या आपको नहीं लगता यही साई की सही पूजा है भक्ति है? राम राम जय जय राम अल्लाह मालिक साई राम साई राम। शायद मैं तो यूँ कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं उस शख्सियत के साथ में खड़ा होकर के स्टेज में एक ही जगह खड़ा हूँ जिनके पास पहुँचने में कई साल लग जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम की ओर से सुधीर दलवी जी का, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ माइक है, लेकिन हमारी उम्र में बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत दिग्गज हैं,
एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा एक बार स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। तो आइए, जिस कार्य के लिए हम यहाँ जुड़े हैं, साई नवरंग एल्बम, जैसा कि आप जानते हैं साई ग्लोरी प्रोडक्शन हाउस की ओर से ये एल्बम लॉन्च की जा रही है और आज उसका दिन चुना गया है और यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। तो पहले कलाकार, या यूँ कहूँ साई नवरंग के पहले रंग को आमंत्रित करने के लिए मैं कहना चाहूँगा अपने शोभा जी से कि प्लीज़ उन कलाकार को मंच पर बुलाएं। मेरे साई जी, मुझे नहीं पता मेरा तुमसे क्या है वास्ता, पर इतना पता है तू ही मेरी मंजिल और तू ही मेरा रास्ता। साई विशाल दास जी 2000 से बाबा के भजनों का गुणगान कर रहे हैं और तकरीबन 4000 भजन संध्याएं कर चुके हैं। 5 साई आयोजन एल्बम अब तक बाबा के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। 300 से ज़्यादा भजनों को लिख चुके हैं, संगीत दे चुके हैं। साई नवरंग के लिए भी इन्होंने एक भजन गाया है। जोरदार तालियों के साथ में विशाल दास जी का स्वागत करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। एक बारी थोड़ी इतनी आवाज निकाली कि मिलकर के पता तो चले कि यहाँ पर बाबा विराजमान है। जिनको आंख बंद करके अगर बाबा को लाइव इमेजिन करें, सुधीर अंकल वो हमारे बीच में है। जिनको देख करके लोग बाबा के भक्त बने, जिनके भजन सुनकर बाबा के भक्त बने हैं, मनर अंकल वो हमारे बीच में। एक बार मिलकर के कहिए, बोले साईनाथ भगवान की। रंग रंग वाके रूप बनवा के जिंदगी सवारी बनवाई अपना बना के, जितना भी दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात न थी। और ये सब तो कर्म मेरे बाबा का है, मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। किसी की न हो गया है बात न भुलावा, लेकिन फिर भी मैं बाबा के लिए बात जरूर कहता हूँ कि तेरी जब से मुझ पे नजर हो गई है, जमाने को इसकी खबर हो गई है। गुलामों में जब से मेरा नाम आया, शहंशाह हो जैसी कदर हो गई है। एक कुत्ता तेरे दर्द जान के मैनू कोई मारदा नहीं, कुत्ता तेरे दर्द जान के मैनू कोई मारदा नहीं। जिथे भी जावा जाके पौके आवाना, तेरा जान के कोई धुतकारदा नहीं। बोलिए साईनाथ भगवान की। मिलकर के कहिएगा अगर लगे कि आपकी भी बात है। किसी की मैं हो गया है बात ना भुलावा, ताली बजाइएगा साथ साथ। Oh,
जिंदगी तू मेरी बाबा आप सजाइए, जिंदगी तू मेरी बाबा आप सजाइए, बदले तू मेरे दाता ना गुलामा, बदले तू मेरे दाता ना गुलामा। साई जी मैं मेरी इतना गुलामा, शख्स के ऊपर ऐसा रूप बाबा ने बनवा दिया, आप जब देख ले परेशानी में देखे तो लगेगा कि बाबा कह रहे चिंता नहीं करे मैं हूं, आप खुशी में देखे तो बाबा कहते हैं एंजॉय करें। मिलके कहिए जरा, ओ हाथ विच रंग देके ब्रश तू बनाए अपने रूप बाबा। Thank you.
सिर्फ गाऊंगा नहीं गुनगुना दूंगा माइनस की सेम्स के दा कि दुनिया की झोली भरता है खुद झोला टांगने वाला पूरी ये मुराद करता है खुद झोला टांगने वाला भूखे को ये अन्न देते हैं कोड़े में को ये स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उनका अभिनंदन करें और आप सभी से भी मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि एक बार तालियों के साथ आप भी उन्हें अपना प्यार अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तालियों में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग ऐसा मुझे लग रहा है, तो तालियां तो खुल दिल खोल करके बजानी चाहिए क्योंकि जब किसी का हौसला बढ़ाना है तो आपकी तालियां होनी बहुत जरूरी होती है। ऐसी साईं कृपा करो कि आपका नाम ही मेरा धन हो जाए, जिस जगह आपको याद करूं वही मेरा शिरडी धाम हो जाए। और आज ये जो स्थान है ये शिरडी से कम नहीं है हम सब भक्तों के लिए। मुझे लगा कि इस पे तालियां बजेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने अगले जो है सिंगर उनको इन्वाइट करना चाहूंगी, निधि साहिल जी। हवाई एक ऐसी आवाज़ को निमंत्रण देते हैं नाम आप सुन चुके हैं निधि साहिल, एक बहुत ही मीठी आवाज़ है, कोयल जैसी ये आवाज़ आप सभी के बीच में आप सभी के रूबरू। और साथ ही साथ मैं उस शख्सियत को भी बुलाना चाहता हूँ जिनकी बदौलत निधि साहिल आज ये मुकाम पा पाई है, प्रदीप साहिल जी जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अक्सर उनके लिखे हुए गीत आपने बॉलीवुड में सुने होंगे, अक्सर उनके लिखे हुए भजन शायद ही कोई ऐसे सिंगर है जिन्होंने ना गाया हो। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं निधि साहिल जी और प्रदीप साहिल जी का। सभी को जय साईं राम, ओम साईं राम। मैं भजन शुरू करने से पहले हमारे बीच हमारे बहुत ही मुख्य अतिथि नरेंद्र चंचल जी आ चुके हैं, तो मैं एक बार आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि एक जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र चंचल जी का स्वागत करें। और हमारे साथ संजय मलिक जी भी आ चुके हैं, तो प्लीज और भजन शुरू होने से पहले एक गुजारिश और है, एक जोरदार जयकारा। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। और महाभारत में जिन्होंने संगीत दिया चंद्रकमल जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत। राजकमल जी के सुपुत्र हैं चंद्रकमल जी, शेख भजन सम्राट आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी। ये फिर वही शख्सियत है जो तारीफ के मोहताज नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने गायन से ही ऐसी पहचान बनाई है कि आज के समय में कोई बुजुर्ग हो, उम्र दराज हो या फिर कोई बच्चा हो, हर एक इंसान उनको जानता है। जो सबसे पहला भजन मैंने साईं प्रोडक्शन हाउस के लिए गाया, साईं वे साईं, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। और उसके बाद जो हमने साईं नवरंग में गाया है शुक्रिया, उसकी कुछ लाइनें, जितना भी समय मिला है बाबा ने कृपा की है,
आप सभी का साथ चाहिए। कहिए साईनाथ महाराज की।
गाया बहुत दिनों बाद, बहुत बहुत थैंक यू। मोमेंटो देते हुए आभार प्रकट करें प्रदीप साहिल जी और निधि साहिल जी का, मोमेंटो प्लीज। कि उसकी जिंदगी में फिर कभी कोई दुख ना दिया, उसको जिंदगी में फिर कभी कोई दुख ना दिया, जिसने हर पल किया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत ही सुंदर भजन इस लिखा गया आदरणीय प्रदीप साहिल जी द्वारा और बहुत ही भाव के साथ गाया निधि साहिल जी ने। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बीच में जिनको आप सक्सेना बंधु के नाम से पहचानते हैं, जिनको हम सक्सेना बंधु के नाम से पहचानते हैं, आदरणीय श्री मुकेश सक्सेना जी और आदरणीय श्री सुरेंद्र सक्सेना जी भी यहाँ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन कीजिए, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और बीच बीच में एनर्जी के लिए आपको काम करना है, प्यार से कहना है जय साईं राम, कि मुख में जीवा वही भली जो सुमरे साईं राम, वरना काढ़ भगाइए मुख में भली ना चाह। इस चमड़े की जुबान का कुछ फायदा नहीं अगर हमने दूसरों की निंदा रस किया। ये जुबान हमें दी है उस ईश्वर ने भक्ति रस के लिए, तो भक्ति रस अपने अंदर से जागृत करते हुए एक बार फिर से कहिए जय साईं राम। इनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है, इनकी तारीफ में शब्दों का अभाव भी बच जाता है। हमेशा सादगी में रहना और बस साईं साईं ही कहना। माँ सरस्वती की ऐसी अनुकंपा है इन पर, जब ये गाते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद हो चुके हैं। एक ऐसी आवाज जिनके गाए हुए भजनों में ऐसी मिठास होती है, और सच बात कही जाए तो शायद ये बाबा के कुछ खास ही हैं। आइएगा तालियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी के बीच में बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने के लिए तशरीफ फरमा आदरणीय श्री प्रवीण मुदगिल जी का, एक बार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। अभिनंदन करते हैं आप सभी के बीच प्रवीण मुदगिल जी। मैं एक बार फिर से, अभी अंकुश मदान जी ने तो सक्सेना सर का स्वागत कर ही दिया, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जोरदार तालियों के साथ में सभी भक्तगण को बोलती हूँ कि इनका अभिनंदन करें। जैसा कि अंकुश ने बोला, मैंने 500,000 के नोट नहीं मांग रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सैयद सोहेल निजामी जी हैं जो कि हजरत निजामुद्दीन आलिया के इंचार्ज और केयर टेकर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वे प्लीज एक बार स्टेज पर आएं, क्योंकि उनकी बहुत दिली तमन्ना है कि वे आकर एक बार जो कार्य नवनीत अग्निहोत्री जी कर रहे हैं उनको सम्मान दें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सैयद सुहेल निजामी जी का। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की।
तेरा चेहरा साए आशीर्वाद आप सबकी दुआ की बदौलत ही मैं बाबा के भजन गा पा रहा हूं। तो आइए आपके सामने आ
झोलियां ही अपनी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। साईं बाबा मेरे दिल बिचो
कौन सी चक्की का आटा आप खाते हो जो आपकी आवाज में इतनी मिठास निकल करके आती है? ऐसे लगता है कि आपकी आवाज से ही मीठापन निकल करके आ रहा है और साक्षात जैसे मानो मोहम्मद रफी साहब ने उपहार स्वरूप अपना गला भेंट कर दिया हो अरविंद मुद्गल जी को। अगर आपको ऐसा लगता हो तो ही ताली बजाइए, वरना कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। देखिए अंकुश भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए रफी साहब की तो बस क्या बात करें, मतलब मैं तो उनको अपना भगवान मानता हूँ। सही बात है, मैं कह रहा हूँ बहुत से सिंगर्स हैं चाहे सोनू निगम में कोई भी हो, और रही बात चक्की के आटे की, तो बस इतना पता है कि जो कुछ है सब साईं का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। जिसने गुरु और माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया उसको काफ़ी कुछ ऐसे ही मिल जाता है। बस मैं तो वाकई कुछ भी नहीं हूँ, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद, मैं जीरो हूँ, हीरो तो सिर्फ साईं है बस। और शायद भैया भगवान ही अपने भक्तों का, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, और रफ़ी साहब आपके भगवान और अपने बच्चे। दो लाइन की इन्होंने फरमाइश किया, कोई दिल्ली से आए हैं तो एक स्थाई में आपको एक बार भैया मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक और शख्सियत आए हैं जो साईं जगत में एक ऐसा नाम है जिन्होंने घर घर तक बाबा को पहुँचाया है अपने भजनों के माध्यम से। आइएगा एक बार स्वागत करते हैं आप सभी के बीच में आदरणीय श्री शैलेंद्र भारती जी, जो कि जोरदार तालियां बजाइएगा थोड़ी सी। और मैं अमित सक्सेना जी का भी स्वागत करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं भूल गया। शैलेंद्र भारती जी आप सभी के बीच एक बार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा आप सभी। जय साई राम। और साथ ही साथ संदीप सोनावने जी हमारे बीच में शिरडी से आए हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। ये वो धाम है जहाँ जाने के लिए हम तरसते हैं, और एक हमारे संदीप भाऊ हैं जो बाबा की ही नगरी में रहते हैं, बाबा की ही मस्ती में रहते हैं। कि तेरी शिरडी कभी ना जाऊं इश्क का ऐसा भ्रम रखूं, तेरी शिरडी कभी ना जाऊं इश्क का ऐसा भ्रम रखूं, जर्रा जर्रा तो है चूमने की जगह, फिर कैसे वहां कदम रखूं। पहले एल्बम रोहित पाठक भाई और मैं परवीन मुद्गल दोनों भाइयों की एल्बम आई थी, नवनीत भाई का कंसेप्ट था ये, उसी का ये भजन है कि अगर मुझे मांगने का मौका मिलेगा कुछ बाबा से तो इच्छाएं इतनी हैं कि जिंदगी भी खत्म हो जाएगी तब भी पूरी नहीं होगी, तो मैं बस बाबा से बाबा को मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें से साई बाबा, मैं तुम्हें को मांग लूंगा, सबको पाके तुझ में मन रमाके, मैं तुम्हें से साई बाबा, मैं तुम्हें को मांग लूंगा,
बायजामा के बारे में जितने साईं भक्त हैं उन सबको बारे में उनको पता है। बाबा ने उन्हें अपनी माँ की तरह नहीं माना, माँ से ज़्यादा माना उन्हें। जब तक बाबा शरीर में रहे बायजामा उन्हें हमेशा अपने घर से भोजन बना के ले जाती थी और जंगल में घंटों उनको ढूंढती थी, और जब वो उन्हें ढूंढ लेती थी भोजन करा देती थी उसी के बाद में जो है वो अपना भोजन ग्रहण करती थी। आज हम सबके बीच में उन्हीं बायजामा के ग्रैंड सन जो है श्री नीलेश तात्याकोते पाटिल जी जो हैं वो उपस्थित हैं, और मेरी आप सबसे विनती है कि उनका यहाँ होना साईं बाबा का साक्षात होना हमारे लिए है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, हमारे बीच में कमल भारती जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, जब तात्याकोते पाटिल जो बायजामा के पुत्र थे, बाबा ने जब देखा कि उनका काल उनको लेने के लिए आ रहा है तो उन्होंने, क्योंकि बायजामा को अपना माँ माना हुआ था, तो उन्होंने कहा मेरे कहने मेरा भाई नहीं जा सकता। और साई चरित्र को जिन्होंने भी पढ़ा है उन्हें इस बात का आभास है कि बाबा ने तात्याकोते पाटिल की मृत्यु अपने ऊपर ली थी और 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने समाधि ली। तो हम ये समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि बाबा का कितना ग्रहण और आत्मिक रिश्ता जो है बायजामा तात्याकोते पाटिल के साथ रहा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। न छोड़ी कभी शिरडी तूने फिर भी संसार में छा गया, न छोड़ी कभी शिरडी तूने फिर भी संसार में छा गया, क्या राज है इसका बताओ साईं जो हर दिल में तू आ गया, क्या राज है साईं बताओ इसका जो हर दिल में तू आ गया। और आप सबका यहाँ उपस्थित होना इस बात का साक्षात्कार है कि बाबा हर दिल में हर घर में मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं नवनीत अग्निहोत्री जी द्वारा यह 6 फीट की पेंटिंग बनाई जा रही है, और बाबा का स्वरूप
बहुत खूबसूरती से निखर कर सामने आ रहा है, तो मैं प्लीज आपसे एक बार फिर विनती करूंगी एक जोरदार तालियां। जी हाँ, और मैं बुलाना चाहूंगी अनिल जैन जी को, जो कि नवनीत अग्निहोत्री जी के बचपन के दोस्त हैं। और आप जानते हैं जिंदगी जाए तो जाए, दोस्ती ना जाए, तो अनिल जैन जी को एक बार मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ प्लीज अनिल जैन जी का भी स्वागत कर दीजिए। और शिरडी से हमारे बीच, जैसे कि इन्होंने बताया, नीलेश कोते पाटिल जी भी आए हुए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ नीलेश कोते पाटिल जी का भी स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 6 फीट की बाबा की पेंटिंग बन रही है, ये लकी ड्रॉ में निकाली जाएगी, और आप में से एक भक्त ऐसा होगा जो ये पेंटिंग अपने घर लेकर जाएगा, जिसमें ये पेंटिंग नहीं रह जाती, ये बाबा स्वयं आपके घर जाएंगे, जिसके लिए आपने जो पासेस थे उसमें आपने अपना नाम लिख के डाला होगा, वह उसी में से हम ये लकी ड्रॉ निकालेंगे। आज का आप ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री जी के पेज पर। और आज का ये कार्यक्रम दिशा टीवी पर 7 मई को टेलीकास्ट किया जाएगा। हाँ जी, याद रखिए 7 मई को टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे राज मदान जी का। तो हमारे बीच यहाँ पर नीलेश कोते पाटिल जी आए हैं, इनका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अभी अंकुश के मुंह से सुन ही चुके हैं, शिरडी से कोई भी आए तो हमें बाबा की महक आ जाती है, तो जोरदार तालियां हो जाए। और बड़ी देर से एक जयकारा नहीं लगाया है, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। बहुत खूब आनंद आ गया। आज यहाँ बीच में नवनीत अग्निहोत्री जी की सिस्टर और जियाजी भी हैं, जिनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, दीपिका चांदना जी, कैलाश चांदना जी, और उनकी डॉटर सना चांदना जी, जो बहुत मशहूर डिजाइनर है। जी हाँ, हो सकता है आपने उनके कभी ना कभी ड्रेसेस भी पहनी हो, तो एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और उनकी छोटी बहन ज्योति जी का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इनके सहयोग के बिना नवनीत अग्निहोत्री जी आज यहाँ पर नहीं खड़े होते। जो ये आज कलाकारी दिखा रहे हैं, ये इनके परिवार, इनकी माता उषा रानी जी, इनकी पत्नी श्वेता अग्निहोत्री जी, इनके दोनों पुत्र दक्ष और नवंश, और इनकी बहनें और जियाजी का ही सहयोग है, और बिना कुछ कहे इनके पिताजी वाईपी शर्मा जी का आशीर्वाद। तो जोरदार तालियां बजाते हैं और आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कि अपने हर सवालों का जवाब मांगता हूँ, ऐसा ही, अपने हर सवालों का जवाब मांगता हूँ, करता हूँ तेरी बंदगी, उसका सब हिसाब मांगता हूँ। जरूरत नहीं मुझको दुनिया की गर तुम साथ हो, जरूरत नहीं मुझको दुनिया की गर तुम साथ हो, इसीलिए तो साईं तुमसे तुम्हारा दीदार तुम्हारा साथ चाहता हूँ, साथ मांगता हूँ। आइएगा, मैं एक और हमारे बीच में शख्सियत हैं, जो संजय मलिक जी, मलिक एंटरटेनर से, जिन्होंने आज इस दुनिया में, मैं क्या कहूँ कि कई कांच के टुकड़ों को कोहिनूर बना दिया है। संजय मलिक जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूँ संजय मलिक जी। और आप भी ताली वाले बजाए करेंगे, तालियों में कंजूसी क्यों करते हैं? देखिए, एक बात सत्संग के बारे में जो है हमेशा कही जाती है कि अगर ईश्वर तक अपनी बात पहुंचानी है और आप संगत में बैठे हैं, जितना जोर से आप ताली बजाएंगे, आपकी दुआ, आपकी हर आरजू बाबा तक, हर ईश्वर तक पहुंचेगी। इससे पूरा जोर लगा के तालियां बजाइए ताकि आपकी दिल की हर आरजू पूरी हो, वो बाबा तक पहुंचे। पर आइए, अगले कलाकार को आमंत्रित करते हैं, पंजाब से हमारे बीच में चल करके आए हैं, पंजा दरियावा दा पंजाब, साईं लाडी शाह जी दे दरवेश, बाबा मुराद शाह जी के दरवेश, आप सभी की नजर है, जोरदार तालियों से वेलकम करना है, इस्तकबाल करना है मनी मैंडोर जी का। अच्छा, मुझे पीछे बताया गया है कहने की तालियां आवाज यहां स्टेज तक नहीं आ रही, थोड़ा सा तो प्रेस करना है, ये पीछे जो पीछे बैठे हैं वो भी तालियां बजा लें, आपका तो प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, तो हमारी ये मेहनत सफल हो जाएगी। हम बाबा के चरणों में आए हैं, सब लोगों का एक ही काम है। एक बार मिल करके कहिए, सतगुरु साईनाथ महाराज की। आप सभी से ज़्यादा अकेले की आवाज़ है मेरी,
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई नवरंग समागम में आज सभी साई भक्तों को, बाबा के दास का सभी को हाथ जोड़कर जय साई राम। और बाबा से इजाजत लेते हुए, आप सभी से इजाजत लेते हुए बाबा का भजन आप सभी के सम्मुख करने लगा हूँ। अपनी साई माँ के आशीर्वाद से तो आइए उसी भजन की हाजिरी बाबा के चरणों में, जो भजन नवनीत भैया को बाबा से मिलाता है। बोले साईनाथ महाराज की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ जस्त जो जिस मंजिल की मंजिल वो तूने दिला दी बने जो मैं ते साई नजरों से साई नजरे बनाओ साई कृपा
आइए, जब बाबा का दास, बाबा का वो चित्रकार, बाबा में घुसकर सूफी हो जाता है अपनी मस्ती में, हाथ में घुंघरू बांधकर, उसके लिए वो स्वरूप वो नहीं बनाते, खुद बाबा बनाते। बोले साईनाथ महाराज की, ओ घुंघरे बांध घुंघरे बांध घुंघरू 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 बांध घुंघरे बांध घुंघरू घुंघरे बांध घुंघरे बांध ने तक
चाहूंगा मेरे साईं माँ, मेरे सभी साई प्रेमी, साई भक्त हम मौजूद हैं आज बाबा के चरणों में, अपने अपने हाजिरियां भर रहे हैं। बहुत बड़े उस्ताद लोग बने उदास जी, जो कि भजन सम्राट, बचपन से इनके भजन सुनते आए हैं, शैलेंद्र भारती जी और जितने भी आदरणीय माने, जितने भी विपिन रहीजा जी, प्रेम मुर्गल जी, सभी को मेरा नमन है। एक बार मेरे साथ सभी गाएंगे तालियों के साथ, साई नवे रंग संग साई नवे रंग, साई नवे रंग संग साई नवे रंग, साई नवे रंग संग साई नवे रंग, साई नवे रंग संग साई नवे रंग। सभी की तालियों के साथ साई नवे रंग संग साई नवे रंग, 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 साई
जानता हूं कि थोड़ा सा कष्ट तो जरूर होता है जब तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन जब किसी को दुआ दी जाती है तालियों के माध्यम से तो शायद उतनी ही झोलियां आपकी भी भर जाती हैं। तो तालियों के साथ आपने इस जुगलबंदी में हाजिर लगा ली है, आइएगा नवनीत अग्निहोत्री जी और अरशद खान जी। स्वागत करना चाहता हूँ शिरडी धाम से, हमारे बीच में हमारे एक और अतिथि आदरणीय श्री रमेश जी यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। साईं नवरंग की ओर से, साईं ग्लोरी प्रोडक्शन हाउस की ओर से, नवनीत अग्निहोत्री जी की ओर से और पूरी टीम की ओर से आए हुए तमाम मायनाज हस्तियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चल रही थी जुगलबंदी, नवनीत अग्निहोत्री जी के हाथ चल रहे थे और उधर तबले पर हाथ चल रहे थे अरशद खान साहब के। मगर अंकुश, में ये पेंटिंग जितनी मुझे दिख रही है उससे एक ही बात आ रही है कि जब ये पेंटिंग पूरी होगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी कि तेरे ख्याल से ही रौनक आ जाती है दिल में साईं, तेरे ख्याल से ही रौनक आ जाती है दिल में मेरे साईं, तुम रूबरू आओगे तो जाने क्या आलम होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हमें यहाँ पे नवरंग साईं अवार्ड्स भी देने हैं, नवरत्न साईं अवार्ड्स भी देने हैं उन हस्तियों को जिन्होंने साईं जगत में अपने अपने तरीके से कुछ ऐसे कार्य किए जिसमें बाबा का भी नाम हुआ और बाबा के साथ साथ बाबा के नाम का प्रचार भी हुआ और बाबा के साथ बाबा के भक्त भी जुड़े हैं, बाबा के बच्चे भी जुड़े हैं। तो कुछ ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनको कुछ देर बाद हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करेंगे और कुछ आप सभी के बीच में, लेकिन उससे पहले एक और फनकार, एक और कलाकार को आवाज़ देते हैं और वो आवाज़ ऐसी आवाज़ है
जो पिछले 2010 से तकरीबन 40 सीडी एल्बम्स बाबा के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। समय का अभाव है तो मैं उन कलाकारों से जो अभी आएंगे बाबा के चरणों में हाजिर लगाने के लिए, जो चाहते हैं कि साईं अवार्ड्स जिनको दिया जाना है नवरत्न साईं अवार्ड्स, वो शख्सियत भी यहाँ आए हमारे बीच में। आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी आए हैं, उनके मुखारबिंद से भी कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आवाज़ देते हैं जनाब पंकज राज। भले साईनाथ महाराज की जय। आज बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं अपने सभी साई परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि बाबा की असीम कृपा से आज साई नवरंग नवनीत भैया के थ्रू आज हम सभी एक आर्टिस्ट और कलाकार एक ही स्टेज पर हैं बाबा की कृपा से। आइए बाबा की सेवा। कि हथेली पे रख के नसीब, हथेली पे रख के नसीब की मुकद्दर तलाश करता है, हथेली पे रख के नसीब की मुकद्दर तलाश करता है। अरे सीख इन समंदरों से, सीख इन समंदरों से जो टकराने के लिए पत्थर तलाश करता है। साईं की और तमाम हस्ती हमारे बीच में श्री संदीप भाव कि आंखों में आंसू की लकीर सी बन गई नवनीत भैया, आंखों में आंसू की लकीर सी बन गई और सोचा ना था कि ऐसी तकदीर बन गई। हमने तो यूं ही फेरी थी रेत पर उंगली, देखा तो साईं तेरी तस्वीर बन गई। ये सोने तेरी रहमत का सर दुआओं में नजर आता है, आती है जब मुसीबत तो साईं तू ही नजर आता है। कि कैसे कह दूं कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, कैसे कह दूं कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, आंखों से गिरता जब आंसू तो तेरा ही चेहरा नजर आता है। आइए रुको। कर
कदमों में जमीन रख दूं, फिर सिर ना रखे मेरा, ये जा भी यही रख दूं। जो साईं के दिल में आइए बाबा से रूबरू, तू मेरे रूबरू कदमों में जमी रख दो, बद इतनी इजाजत दे सभी साईं, कदमों में जमी रख दो, मेरे सिर ना उठे मेरा ये जा भी रख दो, मेरे सिर ना उठे मेरा ये जा भी दूजा कौन ध्यान
नगर छोड़ी कौन ऐसा दर छोड़ी दूजा कौन जाइए मेरे रूबरू मेरे रूबरू तू मेरे रूबरू हाँ, साई कुछ भी आप हमें मैं उसके बिना जाऊंगा नहीं थैंक यू नहीं हमें जाने भी नहीं